कैसी हो कौशिकी? आप कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है। किंतु शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं। अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की ही नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा? सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी सुमधुरा लावण्य में युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली, वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा।
तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी, फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञा सुंदरी, प्रतिज्ञा पुरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं। तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टो, नष्ट तो तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। भैया शुम, अब तो हमें इस अम्मानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुम, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी, क्यों याद आया? हाँ भैया शुम, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा? Yeah!
पुत्री कौशिकी, तुमने अपने पिता के पराक्रमी रूप की गरिमा बढ़ाई है और अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है। माता पिता का आशीर्वाद और कृपा संतान के साथ हो तो उसका अहित कौन कर सकता है। धन्य है महादेवी कौशिकी, आप धन्य है। आपके कारण सारे देवगण चिंता मुक्त हो गए। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। मेरा उद्देश्य और कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मैं शक्ति स्वरूपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी। तथास्तु। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय।